स्वागत है ग्रीन सिनेमा अवार्ड में। थैंक यू। ग्रीन सिनेमा अवार्ड इस बार हो रहा है, क्या खास है आपके लिए और क्या कहेंगे ग्रीन सिनेमा? ग्रीन सिनेमा अवार्ड ये पहली बार हुआ था 2019 में और हम लोग ने पहली बार जो किया था उसका नाम था भोजपुरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड, लेकिन इस बार जो हम लोग कर रहे हैं इसका नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड, क्योंकि हम लोग इस अवार्ड के जरिए लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, तो इसका भी है। और मैं इस अवार्ड से 2019 से जुड़ा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा, बहुत खुशी है कि मेरे अपना अवार्ड से जो हमारे विजय पांडे जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस अवार्ड को कामयाब बना रही हैं। दूसरी बार जब ग्रीन सिनेमा अवार्ड, क्या चेंजेस किए इस बार? इसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। पहला तो हम लोग ने पर्यावरण का मुद्दा उठाया, जो कि आज पर्यावरण का बहुत सारा न्यूज़ में आप लोग देख रहे हैं, और कई सारे इसमें चेंजेस है कि जो आज एक वर्गल, लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में एक वर्गल है, अश्लील है, उसको हम लोग थोड़ा इस अवार्ड से समाज से हटाने की दूरी कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी परंपरा थी नदिया के पार, बैरी कंगना, ये सब फिल्म को लेकर के, है गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाई, इसका पूरा हम लोग एक मुद्दा उठाए कि जो हमारी पहले की भोजपुरी थी आज वो फिर से एक बार हमारी भोजपुरी का दौर आए। जी ज़रूर बदलाव होगा। देखिए समय के साथ सब चीज़ बदलाव होते हैं। आज अश्लील गाने मार्केट में नहीं चल रहे हैं, अच्छे गाने जो आ रहे हैं बहुत हिट हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भोजपुरी में भी बदलाव बहुत अच्छा होगा। आप सिंगर हैं तो जी, कोई गाना एक गुनगुनाइए। जी, भी मेरा एक होली में बहुत ही अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है क्रिस्टल म्यूजिक वर्ल्ड से, आप लोग सुन सकते हैं, एकदम गांवटी चीज़ है। कि उड़ी रंगवा गुलाल हरि खौआ, ये धन चला चली जा होली में गौआ, ये गाना मेरा रिलीज हुआ है। अभी सिंगर के साथ आप एक्टिंग भी कर रहे हैं? जी। एक्टिंग कैसा, अलग, कितना खास था अलग? अभी मेरी पहली फिल्म होली में रिलीज हो रही है, पवन पुत्र, जिसके डायरेक्टर हैं फिरोज खान जी, प्रोड्यूसर रत्नाकर जी हैं। मुझे पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला, मैं फिरोज खान सर का, राजेश मिश्रा जी का, और मेरे बड़े भाई अभिषेक मिश्रा, राजेश दुबे जी, विक्की यादव जी, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। इन लोग के आशीर्वाद से आज मुझे पवन पुत्र में काम करने का मौका मिला और उसमें मैंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। आप लोग सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, और ये पारिवारिक और अच्छी फिल्म बनी है पवन पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।